मैं निशब्द हूं, कहने के लिए शब्द नहीं है। वो मेरे बड़े भाई थे और नैतिक मूल्यों की राजनीति उनके साथ हमने रहकर सीखी थी। वो असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, वो महामानव थे, वो सुपर ह्यूमन थे। केवल भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं है, ये देश की क्षति है, दुनिया की क्षति है। एक ऐसा महामानव जिसने जब से होश संभाला अपने जीवन को समर्पित किया था भारत माता के चरणों की सेवा के लिए, पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, ध्यान होगा देश को उन्होंने जनता पार्टी में मंत्री बनने से इनकार किया था और तब से ही मेरा उनके साथ काम करना प्रारंभ हुआ था। ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पर जेटली जी पूरे अधिकार के साथ ना बोल सकते हो। देश और दुनिया के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी उनसे राय लेती थी। संसद हो, संसद के बाहर हो, पार्टी के या सरकार के बाद सरकार के पक्ष को रखना होता था तो जेटली जी से बेहतर कोई प्रवक्ता मिलता नहीं था। विषयों का विश्लेषण करना, उसकी गहराई में जाना और उसकी एक एक चीज स्पष्ट कर देना, ये उनकी अद्भुत मेधा का कमाल हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में जेटली जी का अतुलनीय योगदान है। 2003 में वो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए जो काम उन्होंने किया था वो अद्भुत था। पहले कोई कल्पना नहीं करता था कि बीजेपी की सरकार हम बन जाएगी। पार्टी में हमेशा वो फैसले करते थे मेरिट के आधार पर, व्यक्तिगत संबंध मेरिट पर कभी हावी नहीं हुए। लगातार उन्होंने नैतिक मूल्यों की राजनीति की और जो काम मिला उसको अद्भुत ढंग से उन्होंने संपन्न किया। एक नहीं अनेकों स्मृतियां हैं, यादें हैं। कैंसर जैसी महाभयंकर बीमारी से जूझते हुए वो इतने फक्कड़ थे कि हमारी राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठकों में रात को 2-2 बजे तक बैठे, और जब वो बैठते थे तो माहौल को बहुत सरल और सहज कर देते थे। लगता ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि वो मौत से लड़कर लौटेंगे। अंतिम क्षण तक वो ब्लॉग लिखते रहे, ट्वीट करते रहे, सोशल मीडिया पे सक्रिय रहे। अरुण जी का नहीं रहना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश की और यदि मैं कहूं कि पूरी दुनिया की बहुत बड़ी क्षति है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए भी क्योंकि दुनिया जिस प्रकार से वैश्विक मंदी के दौर से गुजर रही है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, ऐसे समय अरुण जेटली जैसा अर्थशास्त्री विधि विशेषज्ञ यदि हमारे बीच में नहीं रहता है तो निश्चित रूप से उनकी कमी को, उनके अभाव को भरा नहीं जा सकता। अरुण जी जितने अच्छे लायक थे, जितने अच्छे वकील थे, उतने ही अच्छे वह अर्थशास्त्री भी थे, उतने अच्छे कुशल संगठक भी थे, उतने ही अच्छे प्रवक्ता और वक्ता थे। अरुण जी का नहीं कहना, उनका नहीं रहना हम सबके लिए बहुत ही दुखदायी है। इस देश में जो अभाव पैदा हुआ है उसे साधारण और आसानी से नहीं भरा जा सकता। अरुण जी की किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो सभी के मित्र थे और सभी लोग उनके मित्र थे।
एक ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं रहा है जो मान के चलता हूँ जिसकी कोई जोड़ नहीं। मेरी बहुत ही विनम्र और उनके लिए आदरांजलि है, श्रद्धांजलि है, प्रणाम है।